वापस आ गई टीटो, कुछ हो गई टीको बस। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, हिलाना नहीं। हाँ नहीं हिलाना नहीं, हिलाना नहीं। अभी मैंने अदिति को सुबह सुबह 5:30 बज रही है और वो ना रात भर से उल्टियाँ कर रही है और साथ में ब्लडिंग वगैरह भी चालू हो गई। वो ब्लडिंग के साथ में उसको ना उल्टी ब्लडिंग हो रही, घबराहट हो रही, क्या पता क्या क्या हो रहा है। तो उसको मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। सुबह सुबह उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया, अदिति मम्मी आएगी फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अब एकदम से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर अच्छी हो जाती है, फिर वापस एकदम से ख़राब हो जाती है। मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा, बस उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। बस गाड़ी गर्म कर देता हूँ। वो बस है ना रो रही, बोले मेरे को मेरे घर छोड़ा। तो घर जाने से क्या होगा, घर थोड़े ना, उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। इसलिए उसको लेना बेटा घर मत जाए, घर जाएगी तो बात वही घूम फिर के, यहाँ पे भी वही, यहीं पर वही। चलो हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल में जरा एडमिट हो जाना। थोड़ा पता है पेट में गर्मी हो गई है, उसके टेबलेट वगैरह इंजेक्शन वगैरह खा रही ना, ले रही है तो पेट में गर्मी हो गई, तो बॉटल चढ़ेगी तो थोड़ा ठंडा होगा। चल रोती काय को है, आगे बिठा दे। बैठ जा बैठ जा, हाँ रोती काय को है। तू रख दिया झोला था ना। हॉस्पिटल ही बंद है। अरे उधर आगे देख तो भी जाके उतर के, मैं इधर देख के आता हूँ। उधर उधर शटर मटर ठोक के देख। चल इधर आ गए आ गए। चल उतर हमें। जाओ मैं उसको लेके जाऊँ, मैं आ रहा हूँ गाड़ी लगा के। झोला मोला बाद में तालेंगे। अरे अरे मैं सुन नहीं चलाते, कुर्सी बुलवा ले उनसे, भैया बैठने के लिए वो ले आओ चेयरिंग के लिए। क्या यार अदिति की एकदम से तबीयत खराब होती है ना, इतना ज़्यादा दिमाग खराब होता है कि क्या ही बोलूँ मैं। अब सुबह सुबह रात भर में भी वो मेरे को रोती, बोले मेरे को मेरे घर छोड़ा, मेरे को बहुत बहुत बेकार लग रहा है, क्या करो अब। क्या हुआ, चल अभी अच्छी हो जाएगी बेटा, उधर तबीयत अच्छी नहीं ना, इसलिए तेरे को अच्छा बोल। बैठ गया, हिम्मत कर बेटा। अरे रोती काय कर, मत बेटा तू अच्छी हो जाएगी, इसे घबराना नहीं, सब अच्छी हो जाएगी, तू घबराए मत बेटा, चलता रहे। हाँ तो अभी बंद हो जाएगा बेटा, अभी बंद हो जाएगा, इलाज चालू होगा तो बंद हो जाएगा बेटा। चल चल आ गया, देखना पाँव अटके नहीं नीचे, लेट जा। मच्छरों कितने पर यहाँ पे, लेट जा बेटा, अच्छी हो जाएगी। अरे बॉटल लगेगी तो अच्छी हो जाएगी सब, लेट जा। नहीं। क्या नहीं, पेट दुख रहा था सब इसका बहुत, इसको अभी 3 दिन से सिर दुख रहा था, इसको माइग्रेन की शिकायत है, गायनापालिकेशन 2 दिन तक लग गई।
तो अब थोड़ा वो ब्लीडिंग भी होने लग गया और पेट भी बहुत दख रहा है, उल्टियाँ हो जा रही, सिर वापस दर्द चालू हो रहा उसको। हो जाएगी ठीक। मच्छर निकल ही नहीं रहा है। रोए मत गुड़िया, रोए मत, नहीं रोना बेटा, देखो हिलाना नहीं, घर ले जाऊंगी बेटा, देखो घर ले चलूंगी मैं, घर ले चलूंगी, बस अच्छी हो जाए घर ले चलूंगी। पेट दर्द बंद हो जाएगा वाटर से। हाँ बेटा, वो पानी की पूर्ति हो जाएगी ना तो बंद हो जाएगा, रोए मत बेटा। देखना बुखार बुखार भी तो नहीं है कहीं इसको। हाँ हो गया बेटा, रोए मत। चुप 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 मेरी रानी बेटी, चुप चुप हो जा, चुप हो जा, तो इतनी हिम्मत दी थी और अभी ऐसी कर रही है, हैं? मट्टी खोल ले बाबू, खोल ले, खोल ले, खोल ले, बोलो। उसके हाथ पांव हकड़ रहा है भैया। नाश्ता करेगी? नहीं। ठीक है मैं कर लेता हूँ, तो अभी नाश्ता लेके आया, सुबह सुबह से भूख लगी मेरे को। चार बजे की, तीन साढ़े चार बजे की, तो साढ़े तीन चार बजे की तो जगा के रखा दी तीन। खोलो खाना भैया, हॉस्पिटल खुला था चार बजे, सुबह 6 बजे तो लाया यहाँ पे। तो पता है हमको है ना, हमारी घर वाली चीज़ मिल गई, हमारे घर पे जो हमारे रूम में एसी लगा था ना, वैसा सेम एसी मिल गया। मैंने एसी रूम इसलिए लिया क्योंकि गर्मी चल रही है, हमारे इधर टेम्परेचर 43-44 है, इस वजह से ख़तरनाक वाली गर्मी होती है। और मैंने ना एसी वाला रूम लिया, अदिति को होना ही नहीं भाई, टेंशन होना ही नहीं अदिति का, उसको ठंडा चाहिए और ठंडा पैसे वाले लग जाए, रूम ठंडा चाहिए मेरे को। लाल कचौरी मैंने बोला था कि कागज रखना, और एक वो है कागज नहीं रखा ये? मैंने बोला था कागज एक्स्ट्रा रखना, नहीं रखा उसने। ठीक है, एक कचौरी और पोहा। अदिति को तो हम खिला ही नहीं सकते कुछ भी। और आज है ना रामनवमी है, आज घर का खाना बनता है और घर का प्रसाद बनता है, वही खाते, पर अभी हॉस्पिटल में है तो यही खाना पड़ेगा। और आज पूजा पाठ वगैरह करती है अदिति, पर क्या करें अब, हॉस्पिटल ही आना पड़ा। क्या खा रहे हो? देखो आदि खा रहा है हलवा, पूरी, टमाटर केचप। हलवा नहीं, हलवा है जानू, हलवा नहीं खा रहा। खा लो ना तो अच्छा है, अच्छा नहीं लगता। आज तभी मैं घर आ गया था, और घर इस वजह से आया क्योंकि मेरे को ना थोड़ा वीडियो अपलोड करना था, और साथ में अपलोड तो दूर की बात है, मैंने अब उसको एडिट ही नहीं किया। मैं अभी 11:30 बज गए और हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल में बस सो जाना, वापस को उठ जाना, उठ के बैठ जाना, सो जाना, को आया उठ के बैठ जाना। तो मेरे विदित के क्या हाल है, मेरे को तो विदित का हाल देखना है। विदित तो छोया है, तूने पिला? रोया नहीं, नहीं रोता ना, रोना मत हो बेटा, उठ गया तू। विदित जानू इधर देखो, रोना मत हो क्या बेटा, मम्मा हॉस्पिटल में है, जानू बेटी लोटे नहीं आते बच्चे, शाने बच्चे हो आप तो, प्यारे प्यारे गोल गप्पे बेटे हो मेरे, प्यारा बेटा ना पापा का, रोता नहीं ना, हाँ छो जाना ठीक है, मम्मा को ज़्यादा याद नहीं करना, छो जाओ। पूछा नहीं रोते बेटा, और बहुत बेकार है, दादी भी बोल रही है बहुत बेकार है ये, तो गंदी बच्ची है पूछा, बदमाश है ये, बहुत ज्यादा रोती जे, नींद आ रही उसको, नहाते नहाते सो रही थी वाले। पापा भी आ गए आपके, मैंने बोला कि अब गुड मॉर्निंग कर लो लल्ला जे, दादी ने काम खत्म कर ला, खाना भी नहीं खाया बेटा, जो गुड मॉर्निंग करने आई मेरी टीम दी, चल आ जा मेरा लल्ला। मेरा टिफिन है बेटा, दादी ने पैक करा था हॉस्पिटल में खाने के लिए, तो मैं घर आके खा रहा हूँ। बड़ी वाली में खाना कटती
कड़ी दूसरी दे दो। ओ खा लो यार। देखो गाइस तो आज खाने बनाए पूरी, खारी, हलवा, ये लाल, वो लाल सूखी मिर्ची आती है ना उसका दाना है, दाने का मसाला, और ये कड़ी, दाने की चटनी है, चटनी और हाँ हाँ, और साथ में ना क्या बोलते हैं, आज ये इसलिए बना है और आज इसलिए तेल का इतना ऑयली ऑयली खा रहो क्योंकि आज आज रामनवमी है। तो अब हमें आज अपने घर का जो बनता किसी घर मतलब किसी को खिला नहीं सकते ना, ये जो बना है भगवान का हमारा, वो हम किसी को खिला भी नहीं सकते ना किसी घर का हम खा भी नहीं सकते, सिर्फ हम ही खा सकते हैं। जैसे कारा है ना, हम बुआ का लड़का है तो वो भी नहीं खा सकता हमारे घर का खाना आज। तो ऐसा भी ना 2 बज रही है और अब वापस मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। 11:30 बजे का आया था, अब 2:30 बजे जा रहा हूँ। खाना खाया, एडिट किया, अपलोड किया, अब जा रहे हैं। अभी गाड़ी वापस तब गई होगी, क्या करें, उसको ठंडी कर, जितनी देर में ठंडा करो उतनी देर में तो वहाँ पहुँच जाते हो। चटके ऐसे लगते हैं बापरे, खतरनाक से, मतलब ब्लैक धूप में कोई भी चीज़, काली चीज़ पे बैठोगे तो कैसा लगेगा। सोचो अब गरम गरम गाड़ी में बैठूंगा। हाय 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 मजे, हाय हाय मजे। पता है एसी भी इतनी गरम गरम हवा फेंकता है ना, इसका मुंह भी उधर करना पड़ता, ऐसा लगता है कि पूरी भयंकर गरम हवा फेंक रहा है। क्या हुआ बेटा, 2 मिनट, क्या हो गया, वो लगा दी बोतल एक बार। अब कैसा लग रहा था वो, कुछ खाया क्यों, वो तेल मम्मी ने दलिया पहुँची थी दाल तुली, क्यों नहीं खाई, वोमिटिंग जैसा लग रहा, क्या फ़र्क नहीं पड़ा था अभी तक, हो जाएगा धीरे से, सो जा रहा, आराम कर दीदी, वो सो रहा है जरा, पिला दे दूध, खाओ पिला दिया। अभी भी पेन हो रहा है क्या, ये बीपी चेक होगा इसे। कैसे, ठीक है, ठीक है ना। ठंडी है, ठंडी है, डालो। हाँ यार, लेने गया था अदिति का जूस पाइनएप्पल का, लेके इतनी सारी चीज जा रहा हूँ। अंदर हॉस्पिटल में बैठे बैठे बोर हो रहा ना। तो मुंह चलाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। बुबूत मांगी गादी थी वो तो, देख 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 देख, आते साथ में रख ले, हाथ नीचे रख ले, बोतल चालू है, चालू है, हाँ उड़ा देते ना, एसी चालू है, वहाँ पर आ गया टीचर ना, वहाँ पर आ गया टीचर ना बेटा, गोलू मोलू ओ चंदू बीती, अरे हो वहाँ पर आ गई टीचर, कुछ हो गई टीको राजा बेटा, वहाँ पर आ गया, एसी चालू है, उड़ा दो, दूध पिला देगी, वो पिला देगी, हाँ बैठा हूँ बाहर, हाँ यहाँ पे भी टीवी चलती है, देखो यहाँ पे एसी भी चलता है अपने, यहाँ पे एसी भी है, हाँ मेरा बीटी बेटा बुबू पिएगा, जानू बेटी बुबू मिल जाएगी तेको, क्या ये, हाँ पता है, अधिक और ये विदित दोनों की दोनों ना तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, अलग से बहुत, मतलब बच्चे आ जाते ना तो बहुत प्यारा लगता है। अदिति भी खुश हो गई
अधिक भी सबसे ज्यादा विदित खुश हो गया, मेरी माँ मिली, मेरे को मेरी माँ मिली आते साथ में कैसा स्माइल करता प्यारी सी। नाना नानी गए थे तो मेरे को बोले कि हम चाय पीने जा रहे हैं नीचे, ठीक है गए नीचे चाय पीने, और फिर अभी थोड़ी देर बाद आए तो अधिक और विदित दोनों को ले आए। उसका पेट भरा हुआ है, उसकी बुआ पिला देती बेटा उसको। अधिक माँ को भी बाय कर दो। मैं सुनो अधिक, घर से मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना टिफिन में पैक करवाए पहुँचाना। दादी बोलना पापा को अच्छा अच्छा खाना पैक करो। हाँ ठीक है बाय ना। हे गाइस, तो पता है हमारे इधर अभी लड़ाई झगड़े कुछ हो गए, इधर हम रामनवमी थी ना, तो रामनवमी पे हमारे इधर के कुछ झांकियां वगैरह निकलती राम भगवान की, तो शोभा यात्रा निकली थी, तो लड़ाई झगड़े हो गए, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बाहर जा नहीं रहा, मार्केट भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। अभी मम्मी अधिक आए थे ना, अधिक भी दिन को, तो उनको घर पहुँचाओ, मतलब फटाफट घर जाओ, और जो भी यदि आओगे तो टिफिन लेने, तो नहीं लाओगे जब भी चलेगा। क्यों करते हो लड़ाई झगड़े, मेरे को समझ में नहीं आता है। छोड़ो जान दो, इस बात में टॉपिक बातें नहीं करते हम। अदिति को ना बॉटल पे बॉटल चढ़ते जा रही है। बाबू कितनी बॉटल हो गया दिन भर में? तीसरी बॉटल ना। क्या ऐसी कर रही? हाँ चुप चाप है, खिलाऊ क्या? मैं खिलाऊंगा को क्या पता है, तो पहले कब से खिला देता मैं। क्या क्या डाला है इसमें? ये पिछले वीडियो में ही खिलाया था, ज्यादा मत बोले।